कांग्रेस ने देश में वैक्सीन की कमी का लगाया आरोप, वैक्सीन के निर्यात पर रोक लगाने की मांग, लोगों से वैक्सीन के लिए आवाज बुलंद करने की अपील। हरिद्वार महाकुंभ में दूसरी शाही स्नान के निकली पेशवाई, हर की पैड़ी पर संतों का शाही स्नान, कोरोना गाइडलाइंस के पालन करने के निर्देश। धार्मिक स्थलों पर एक साथ 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध, मेरठ के काजी ने जताई नाराजगी, कहा बंद की जा रही है तरावी और नमाज। इटावा जिले के चंदगीराम स्पोर्ट्स स्टेडियम सेफई में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 12 छात्र कोरोना पॉजिटिव, आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में बने कोविड अस्पताल में कराए गए भर्ती। कोविड कंट्रोल को लेकर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने की बैठक, पुलिस लाइन हॉस्पिटल के टीकाकरण केंद्रों का किया निरीक्षण। लखनऊ में कोरोना से मरने वालों की संख्या में दिन प्रतिदिन हो रहा है इजाफा, दाह संस्कार के लिए तैयार कराए जा रहे हैं शमशान घाट पर नए प्लेटफॉर्म, 20 नए प्लेटफॉर्म बनकर तैयार। अजीत सिंह हत्याकांड में आरोपी धनंजय सिंह को हाईकोर्ट झटका, FIR निरस्त करने की याचिका खारिज, 2 हफ्ते में सरेंडर करने का दिया आदेश। फिरोजाबाद में पंचायत चुनाव की तैयारियां की गई पूरी, कल से शुरू होगा नामांकन, हर विकासखंड में बनाए गए हैं 20-20 काउंटर। अमेठी में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए प्रशासन ने झोंकी ताकत, DM और SP ने संवेदनशील मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। सिद्धार्थनगर में शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव कराने के लिए प्रशासन ने कसी कमर, 95 लोगों को हिरासत में लिया गया, 48 को किया गया जिला बदल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर औरैया जिला प्रशासन सतर्क, DM और SP लगातार कर रहे हैं संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों का दौरा। उन्नाव में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस बल अलर्ट, पुलिस लाइन में SP ने जवानों को दिए निर्देश, फायरिंग और आंसू गैस के इस्तेमाल का भी किया अभ्यास। जौनपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस की पूरी तैयारी, 37,000 लोगों को भारी मुचलके पर किया पाबंद, 18,000 लीटर अवैध शराब बरामद, 280 लोग गिरफ्तार। हापुड़ में विधायक की सुरक्षा में तैनात गनर पर पेट्रोल पंप के कर्मचारी के साथ मारपीट का आरोप, CO सिटी को SP ने दी जांच, जल्द मांगी रिपोर्ट। बागपत में गिरफ्त से भाग रहे तस्कर को पकड़ने के लिए एक सिपाही ने लगाई दौड़, पकड़ा गया तस्कर, कैमरे में कैद हुई घटना। संबल के चंदौसी नगर पालिका क्षेत्र में बदहाल सड़कों के पुनर्निर्माण की लंबे समय से लोग कर रहे हैं मांग, मुस्कुराइए आप चंदौसी में हैं, सीधा रास्ता शमशान घाट जाता है कि बैनर टांगे। प्रयागराज में आज सोमवती अमावस्या के मौके पर संगम श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, व्रती महिलाओं ने सूर्य को दिया अर्घ्य। महाराजगंज के सिंदूरिया थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत, 2 लोगों की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। मुजफ्फरनगर के पंचायत चुनाव में प्रधान प्रत्याशी गुंडागर्दी का वीडियो वायरल, इंस्पेक्टर्स को देख लेने की धमकी दे रहा है आरोपी, बाद में दी सफाई, पुलिस का करता हूं सम्मान। अलीगढ़ में एक दुकान में आग लगने से अड़काम, लाखों का सामान जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह, दमकल की 3 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। मुजफ्फरनगर में आत्महत्या का लाइव वीडियो वायरल, विवाहिता के परिवार ने ससुराल वालों पर उत्पीड़न का लगाया आरोप, विवाहिता ने पंखे से लटक कर की खुदकुशी। हरदोई में अवैध असलहे के साथ एक युवक का वीडियो वायरल, खुलेआम तमंचा दिखाकर गांव वालों को डरा धमका रहा था युवक। मथुरा में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार बढ़ने की वजह से DM ने लगाया नाइट कर्फ्यू, DM और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मथुरा जंक्शन पर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। बदायूं में 5 साल की बच्ची का शव मिलने से हड़कंप, बच्ची की रेप के बाद हत्या किए जाने की आशंका, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आगरा के एतमाउद्दौला में जवार पुल पर यमुना में डूबे 6 दोस्त, 1 का मिला शव, 2 की तलाश जारी, 3 को सुरक्षित बचाया गया। आगरा के शमशाबाद में दौलत रामवास गांव में खलियान में लगी भीषण आग, 8 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक, दमकल ने पाया आग पर काबू, किसान की शिकायत पर केस दर्ज। आजमगढ़ के महाराजगंज थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट के चलते कई झोपड़ियों में आग लग गई, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, मौके पर पहुंचे थे SDM और अधिकारी। लखनऊ के कोनेश्वर चौराहे पर खड़ी एम्बुलेंस में अचानक आग लगने से हड़कंप, सूचना देने के बाद भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड, जलकर खाक हुई एम्बुलेंस। लखीमपुर खीरी के भीरा थाना इलाके में कार में अचानक आग लगने से हड़कंप, देखते ही देखते आग का गोला बनी कार, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। जौनपुर के थाना जलालपुर क्षेत्र के सिरकोनी बाजार के पास कार और ई रिक्शा की भिड़ंत, 3 लोगों की मौत, कार चालक को ग्रामीणों ने पीटा।
बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष आफताब आडवाणी के बयान पर मसकता है बवाल, कहा देवबंद के मदरसों में होना चाहिए रामायण का पाठ। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अल्मोड़ा में प्रशासन हुआ अलर्ट, बड़ी संख्या में लोगों को लगाई जा रही है वैक्सीन। रुद्रपुर में जूनियर हाईस्कूल के छात्रों को घरेलू सामानों से उपयोगी सामान बनाने की दी जा रही है ट्रेनिंग, प्रशिक्षण कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। चंपावत के पूर्णागिरी मेले में श्रद्धालुओं की आवाजाही जारी, पंचायत चुनाव और नवरात्रि के चलते कम हो सकते हैं इस बार श्रद्धालु। हल्द्वानी में पुलिस ने वन्य जीव तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है, 6 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, आरोपियों से दुर्लभ प्रजाति के पेंगोलिन बरामद किए गए हैं। रुद्रपुर में डीएम और विधायक भरत सिंह चौधरी ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण कार्य का निरीक्षण किया, मौके पर स्थानीय प्रभावित लोगों की समस्याएं भी सुनी। टिहरी के जंगलों में आग से पर्यावरण को खासा नुकसान, डॉक्टरों ने धुएं से बचाव के लिए लोगों से मास्क लगाने की अपील की। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग का पड़ रहा है ग्रामीणों के रोजगार पर असर, आग के चलते कौसानी में चाय के बगान जलकर खाक, डीएम से लगाए मदद की गुहार। इटावा में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 8 लोग घायल, सड़क किनारे खड़ी कार को ट्रक ने मारी थी टक्कर, सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। इटावा में दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से डूबी पटरियां, रेल यातायात हुआ प्रभावित, धीमी गति से ट्रेनों को किया जा रहा है रवाना, सिंचाई विभाग की लापरवाही बनी वजह। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर बस हाईजैक लूट मामले में लापरवाही बरतने पर 2 पुलिसकर्मियों को किया गया लाइन हाजिर, घटनास्थल पर मौजूद नहीं था कोई सुरक्षा कर्मी। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कुरान की 26 आयतों को हटाने की मांग वाली याचिका, रिजवी पर लगाया 50,000 का जुर्माना, वसीम रिजवी ने आयतों को बताया था आतंक को बढ़ावा देने वाला। कूच बिहार हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का ममता बनर्जी पर वार, कहा दीदी सुरक्षा बलों के खिलाफ कार्यकर्ताओं को भड़का रही है। बर्दवान की जनसभा में ममता पर जमकर बरसे पीएम मोदी, पीएम बोले दीदी की नीति, मां को मारो, माटी को लूटो और मानुष का रक्त बहाओ। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन ऑल आउट की तर्ज पर नक्सलियों के खिलाफ होगी कार्रवाई, सुरक्षा एजेंसियों ने टॉप 50 नक्सल कमांडर्स की लिस्ट तैयार की। जम्मू कश्मीर में हमलों के लिए मस्जिदों का दुरुपयोग कर रहे हैं आतंकी, कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार का खुलासा, बोले नागरिक और सिविल सोसाइटीज ऐसी हरकतों की करें निंदा। जल्द हो सकता है कई बैंकों का निजीकरण, 14 अप्रैल को होगी नीति आयोग, एसबीआई और वित्त मंत्रालय की बैठक। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आपके पास केवल 4 दिन का है मौका, आसानी से मिलेगा 3 लाख रुपए तक का कर्ज। क्राफ्ट पेपर के दाम आसमान पर, व्यापारियों ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार से दखल देने की मांग। सिंगापुर में रोबोट डिलीवरी बॉय, लोगों के घरों में पार्सल और खाने पीने के सामान की रोबोट के जरिए डिलीवरी।